एबीवीपी छात्रों के हितों में करेगी आंदोलन, बोले सरकार ने द्वेष की भावना से कॉलेज किए डी नोटिफाई, छात्र हो रहे परेशान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश ने समीक्षा योजना बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। एबीवीपी का कहना है कि सरकार ने प्रदेश के कई कॉलेज बिना सोचे समझे डी नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे वहां पढ़ने वाले छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की समस्याओं को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। एबीवीपी के प्रांत मंत्री आकाश नेगी ने बताया कि 17 अप्रैल को जिला केंद्र व विश्वविद्यालय केंद्रों पर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाकर डीसी एसडीएम के माध्यम से वो वाइस चांसलर व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए जाएंगे। 25 अप्रैल को धरना दिए जाएंगे और 28 अप्रैल को सांकेतिक भूख हड़ताल की जाएगी। नेगी ने कहा कि सरकार ने द्वेष की भावना से प्रदेश के कई कॉलेज डी नोटिफाई किए हैं, जिससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। आकाश नेगी, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश। देखिए, आज की प्रेस वार्ता इसी निमित्त थी कि अभी 10 और 11 अप्रैल को नाहन के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की समीक्षा योजना बैठक का संपन्न हुआ है। समीक्षा योजना बैठक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वर्ष में केवल एक ही बार की जाने वाली बैठक होती है, जिसमें आगामी वर्ष की योजना और पिछले वर्ष की समीक्षा उसमें की जाती है। इसके अंदर पूरे आने वाले पूरे वर्ष में किस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद करेगी, चाहे वो संगठनात्मक हो, चाहे वो रचनात्मक हो, चाहे वो आंदोलनात्मक हो, चाहे वो जी निश्चित जी निश्चित रूप से पंडो की मैंने बात की, उसको भी डिनोटिफाई किया गया। मैंने सतौन की बात की, उसको भी डिनोटिफाई किया गया। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट पढ़ रहे थे। विद्यार्थी परिषद, हम मानते हैं कि जहां पर कम संख्या में कॉलेजेस है उसको नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ना स्टूडेंट को एक्सपोजर मिल पाता है, ना वैसी पढ़ाई हो पाती है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि क्या सरकार को अभी जो एडमिशन कॉलेज की होने वाली है तब तक नहीं रुकना चाहिए था क्या? अगर सरकार अभी रुकती, उसके बाद अगर देखती, तो विद्यार्थी परिषद उसका स्वागत करती, विद्यार्थी परिषद उनके सहायता करती। अगर उनको प्रॉब्लम है कॉलेजेस में, उनके जो विचार के अगर कोई छात्र संगठन काम नहीं करता तो हम वहां पे है, हम उनको बताते कि यहां पर क्या इश्यूज है, कैसे सॉल्व कीजिए। लेकिन नहीं, बल्कि द्वेष की भावना में सरकार ने बहुत जल्दी करके इन सभी कॉलेजेस को बंद करके हिमाचल के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं एक दोहरा व्यवहार और उनको अपेक्षित और उनको एक प्रकार से प्रताड़ित करने का काम किया है। देखिए, आगामी रणनीति विद्यार्थी परिषद की यह कि 17 अप्रैल को पूरे प्रदेश भर में जिला केंद्र और विश्वविद्यालय केंद्रों पे धरना, और उसके बाद अपना वहां पे डीसी और एसडीएम के माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर और वाइस चांसलर को ज्ञापन इन मुद्दों को लेकर सौंपा जाएगा। उसी के बाद 19 तारीख को सिग्नेचर कैंपेन पूरे हिमाचल में रहने वाला है, और 25 तारीख को धरना प्रदर्शन, उसी के साथ साथ 28 अप्रैल को सांकेतिक भूख हड़ताल 24 घंटे की हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करने वाली है। हिमाचल प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आदर्श हिमाचल। तो आदर्श हिमाचल के फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आदर्श हिमाचल की वेबसाइट www.adarshhimachal.com पर जाएं।